Alright, so hey guys, welcome back to another video. Guys, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे। तो guys, literally भाई लोग गाज का गेम प्ले यार crazy होने वाली है guys, क्योंकि आप लोगों को भाई यहाँ पर stairs भाई climbing challenge देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना guys, उसी वजह से हम लोग यार वापस से यहाँ पर अपना स्टेयर्स क्लाइंबिंग चैलेंज लेके आ चुके हैं दोस्तों। फिलहाल यार सबसे पहले आप लोगों को कार्स का कलेक्शन दिखा देते हैं गाइज। यहाँ पर है गाइज अपना इंडियन कार्स का कलेक्शन गाइज, आप लोग देख सकते हो। एंड गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि गाइज आज मैं यार इस वाले मैप को आप लोगों को फ्री में गिव अवे करने वाला हूं। तो यार वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को ये वाला मैप फ्री में मिले। फिलहाल यार यहाँ पर अपना इंडियन कार्स का कलेक्शन, इधर पे गाइज अपना पाकिस्तानी कार्स का कलेक्शन, एंड देन गाइस यहां पर आ जाता है गाइस अपना बांग्लादेशी कार्स का कलेक्शन। तो बांग्लादेशी वालों तुम लोग कैसे हो जरूर बताना। एंड फिलहाल यहां पर अपना कार्स वगैरह है। तो दोस्तों आप लोगों को एक बार मैप दिखा देता हूं, ये रहा गाइस अपना मैप। तो गाइस इधर से अपना स्टेयर्स क्लाइंबिंग चैलेंज होने वाली है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। फिलहाल गाइस धीरे 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 अपने को ऊपर तक आना पड़ेगा एंड इधर तक आना पड़ेगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि भाई इस वाले मैप को आप लोगों को फ्री में मिलने वाला है। एंड कैसे आप लोगों को इस मैप को लेना है तो गाइस वो वीडियो का बीच में बता दूंगा, तो कोई भी स्किप मत करना दोस्तों। फिलहाल यार चलो इंडिया की तरफ से यार कोई एक अपना गाड़ी लेते हैं दोस्तों। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इंडिया की तरफ से ले लिया है गाइस अपना इंडिया का मॉन्स्टर मॉडिफाइड महिंद्रा थार। तो गाइस आप लोगों को क्या लग रही है ये गाड़ी कैसा चढ़ पाएगा? यार इजी है ब्रो, इस गाड़ी के लिए बिल्कुल इजी है भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो देखो मैन, बहुत ज्यादा क्रेजी ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस इस गाड़ी का। फिलहाल चलो भाई देखते हैं गाड़ी कितना स्मूथ तरीके से चढ़ पाता है। ऑल राइट, एकदम स्मूथ तरीके से चढ़ गया भाई ये तो। फिलहाल चलो इसको इधर पे ही रखते हैं भाई लोग, एंड लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट को यहाँ पर अपना पाकिस्तानी गाड़ी। ऑल राइट, तो दोस्तों अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेके चल रहे हैं पाकिस्तानी जंपिंग किंग कार, जो की अपने पास है दोस्तों आउटलैंडर। तो फिलहाल चलो आउटलैंडर को भी यहाँ पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो गाड़ी अभी अपना अच्छी तरीके से ही चढ़ तो रही है, लेकिन यार थोड़ा बहुत स्किड कर रहा था गाड़ी एंड इधर उधर पे जा रहा था, लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर अपना आउटलैंडर भी एकदम स्मूथ तरीके से गाइस विनर लिस्ट पे आ चुका है। सो गाइस चलो इसको भी इधर पे रखते हैं, लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट बांग्लादेशी गाड़ी। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी हम लोग बांग्लादेश की तरफ से लेके चल रहे गाइस टोयोटा का CHR। तो दोस्तों अभी टोयोटा CHR को भी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई अपना टोयोटा CHR कैसे चढ़ पाता है। ब्रो ये क्या है मैन, वो भाई गाड़ी अटक रही है। नहीं चलो चढ़ गया यार, मुझे भाई डर लग गया था कि मुझे लगा था ये गाड़ी चढ़ ही नहीं पाएगा, लेकिन चलो अच्छी बात है गाड़ी अपना चढ़ चुका है दोस्तों। वैसे सेकंड गियर पे थोड़ा तो भाई यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा जोर लगाने पड़ रही है भाई अपने गाड़ी को, उतना भी स्मूथ तरीके से गाड़ी चढ़ नहीं पा रहे वैसे आप लोग देख सकते हो। लेकिन 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 गाइज यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपना CHR जो कि बांग्लादेश की तरफ से है, ये फाइनली यार विनर लिस्ट पे ऐसे तैसे कैसे तो आ ही चुका है। तो लेते यार नेक्स्ट कोई अपना इंडियन कार। राइट, तो दोस्तों अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से गाइज अपना महिंद्रा का स्कॉर्पियो N 2023 मॉडल। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना स्कॉर्पियो N भी यार बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड भाई परफेक्ट तरीके से चल रही है अपना गाड़ी। एंड भाई साहब यहाँ पर अपना स्कॉर्पियो N भाई एकदम तोड़ फोड़ दिया गाइज, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। चलो यार इस गाड़ी को भी इधर पे पार्किंग पे लगा देते हैं दोस्तों, एंड लेते हैं यार अपना नेक्स्ट को यहाँ पर पाकिस्तानी गाड़ी। गाइज अभी हम लोग पाकिस्तान के तरफ से लेके चल रहे हैं यहाँ पर गाइज पाकिस्तान का टोयोटा कंपनी का मार्क X, आप लोग देख सकते हो 250G मॉडल। ओ भाई गलत थी भाई, चलो चलो देखते हैं यहाँ पर गाड़ी कैसे चढ़ पाता है। वैसे तो गाइज यहाँ पर गाड़ी धीरे धीरे भाई अपने चढ़ने की हालत पे है, आप लोग देख सकते हो। एंड बस यहाँ पर फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी अभी के लिए चल रही है, क्योंकि पावर उतना भी सही से नहीं मिल रहा गाड़ी का। आप लोगों को क्या लग रही है ये गाड़ी कितना अच्छी तरीके से चढ़ पाएगा? देखो मुझे नहीं लगता भाई 30 के ऊपर जाएगा, नहीं भाई 34-35 पे चला गया। सेकंड गियर तो लगा लो भाई, सेकंड गियर तो वैसे नहीं लगा रहा बंदा, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे तैसे कैसे ये गाड़ी भी अपना विनर लिस्ट पे आ चुका है। सो गाइस इस वाले गाड़ी को भी इधर पे रखते भाई लोग, लेते अपना नेक्स्ट वही गाड़ी। राइट, तो दोस्तों अभी हम लोग लेके चल रहे गाइज यहाँ पर बांग्लादेश के तरफ से लेक्सस 570, नहीं भाई हाँ लेक्सस GS भाई 350 मॉडल है ये वाला मॉडल। वैसे भाई ये गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रहा यार, गलत थिन मुझे लगा था चढ़ जाएगा यार, लेकिन गाड़ी तो अपना चढ़ ही नहीं पा रहा गाइज। एक मिनट भाई मैं पीछे वाले साइड से चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, चढ़ जा
चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। अरे नहीं नहीं अटक रही है गाइस, ये गाड़ी चढ़ नहीं पाया जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सो गाइस ये गाड़ी वैसे फेलियर लिस्ट पे आ गया। अभी आप लोग बोलोगे भाई बता दो यार ये मैप अपने को कैसे डाउनलोड करना है, हम लोग भी खेलना चाहते हैं तो यार। ऑलराइट तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वाला क्रेजी रैंप इंस्टॉल करना है तो गाइस मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में गाइस एक लिंक रहेगा, उसे प्रेस करके गाइस आप लोग इस वाले पेज पे आ जाना। देन गाइस सिंपली आप लोगों को इधर पे क्लिक करना होगा एंड इधर पे एक ऐड आएगा गाइस जिसे आप लोगों को कट कर देना है। एंड देन गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो अनलॉक कंटेंट करके एक ऑप्शन आ रही है, इसको आप लोग भाई प्रेस कर देना। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद देखो यहां पर मेरा मैप शो होगा गाइस, आप लोग इधर पे प्रेस कर देना एंड सिंपली गाइस इसे डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरा मैप इंस्टॉल हो चुका है, आई मीन डाउनलोड हो चुका है। अभी इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऑलराइट तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो जहां पर मैंने अपना मैप को डाउनलोड किया एंड जहां पर मेरा गेम का डायरेक्टरी, ऑब्वियसली आप लोगों का गेम ऑलरेडी मॉड हो रखा होगा, तो गाइस GTA 5 में जाना होगा। एंड देन गाइज आप लोगों को मेनू स्टाफ में जाके स्पूनर पे जाना पड़ेगा। जो लोगों ने भाई मेनू इंस्टॉल अभी तक नहीं किया भाई वो लोग GTA 5 में मेनू इंस्टॉल कर लेना। यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा हाउ टू इंस्टॉल मेनू ट्रेनर। देन गाइज मेनू ट्रेनर पे आके स्पूनर पे आके गाइज आप लोगों को उस वाला मैप जो कि आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड किया उसको गाइज सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो गाइज यहाँ पर गाइज कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हो। तो अभी सिंपली गेम ओपन करके आप लोगों को लोड एंड प्लेसमेंट करके दिखाते हैं। गाइज अभी आप लोगों को F8 को डबल क्लिक करके भाई आप लोगों को ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाना पड़ेगा, मैंने सेल्फ फाइल्स पे जाना पड़ेगा। एंड देन गाइस यहां पर अभी आप लोग स्पूनर के अंदर आ चुका। दोस्तों मेरा मैप का नाम था यहां पर रेप्स मैप 1, तो गाइस इसको क्लिक करके आप लोगों को लोड एंड प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। एंड भाई थोड़ी देर यहां पर आप लोगों को वेट करना है। एंड दोस्तों टंटना भाई आप लोगों का सामने मेरा मैप है गाइस, आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस ये आप लोगों के लिए फ्री है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो यार खेलो एंजॉय करो और क्या। बाकी यार मेरा वीडियोस पे पैर दिखाओ, आप लोगों के लिए मैं फ्री मैप प्रोवाइड कर रहा हूं। थैंक यू बॉयज। गाइस आप लोगों ने देख लिया भाई आप लोगों को कैसे ये वाला मैप को डाउनलोड करना है एंड गाइस कैसे आप लोग भी खेल सकते हो इस वाला मैप के साथ। फिलहाल चलो आप लोग इंजॉय करो यार, आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिव अवे था मेरा तरफ से। बाकी यार अभी हम लोग लेके चल रहे हैं भाई यहाँ पर हुंडई का वेन्यू SX मॉडल, तो अपना इंडिया के तरफ से। बाकी यार गाड़ी को चलने में दिक्कत तो हो रही है वैसे, आप लोग देख सकते हो भाई गलत ही दिक्कत, ओ भाई गलत ही दिक्कत हो रही है यार इस गाड़ी को, मुझे लगा नहीं था इतना भी गलत दिक्कत होगा गाड़ी पे। अरे बाप रे भाई छोड़ दो यार, गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रहा यार। ओ भाई चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया भाई चढ़ गया भाई, ऐसे तैसे कैसे भाई हम लोगों ने गाड़ी को चढ़ा दिया। एंड चलो सेकंड गियर पे 70-80 के स्पीड मेंटेन करिए, 90-100 तो पहुंच जाएगा। चलो 100 के स्पीड पे, 110 के स्पीड पे गाड़ी पहुंच चुका है। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पर अपना इंडिया का 3 पॉइंट हो चुका है, तो इस गाड़ी को इधर पे रखते हैं, लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी यार। राइट तो दोस्तों अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेके चल रहे हैं गाइस पाकिस्तान का किया का स्पोर्टेज दोस्तों। तो अभी किया स्पोर्टेज का परफॉर्मेंस देखते हैं यार कैसा रहता है यार। लेकिन 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 गाड़ी को थोड़ा दिक्कत हो रही है वैसे तो। चलो चलो चलो, अरे बाप रे गाड़ी तो चढ़ ही नहीं पा रहा यार, ये कैसा सीन हो रहा है यार, अलग ही सीन हो रहा है भाई। चढ़ जा, ओ भाई साहब गलत सीन हो रही है गाइस, आप लोग देख सकते हो। चढ़ जा भाई, क्या हो रही है यार, गलत ही सीन हो रही है। तो भाई साहब चढ़ना तो चाहिए यार, लेकिन ये तो बहुत ही गलत सीन हो रही है गाइस, आप लोग देख सकते हो। अरे बाबा चढ़ जा ब्रो, अरे भाई साहब चढ़ जा। नहीं यार ये गाड़ी तो चढ़ ही नहीं रहा गाइस, आप लोग देख सकते हो। सो अभी क्या किया जाएगा इस गाड़ी को भी बाहर करते हैं यार, लेते हैं अपना नेक्स्ट बांग्लादेशी गाड़ी। राइट तो दोस्तों अभी हम लोग बांग्लादेश की तरफ से लेके चल रहे हैं होंडा सिविक टाइप आर मॉडल, तो देखते भाई होंडा सिविक टाइप आर का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। आई होप गाइस अच्छा तो रहना चाहिए वैसे। अरे भाई साहब ये तो गलत ही सीन हो रही है गाइस, आप लोग देख सकते हो। अरे भाई चढ़ जा, लो भाई कर लो बात, ये गाड़ी चढ़ने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है यार। बाबा चढ़ जा, अरे भाई सब चढ़ तो जाओ यार। लो भाई गलत सीन, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। नहीं यार गाड़ी वैसे चढ़ नहीं पा रहा गाइज, आप लोग देख सकते हो। और भाई भाई चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, ओ नहीं नहीं गलत सीन गाइज, ये गाड़ी भी चढ़ नहीं पा रहा। सो यार इस गाड़ी को भी बाहर करते हैं यार, लेते अपना नेक्स्ट इंडियन कार। ओके तो भाई अभी हम लोग इंडिया की तरफ से लेकर चल रहे अपना टाटा कंपनी का हैरियर दोस्तों। तो अभी देखते हैं हैरियर का परफॉर्मेंस, लेट्स गो गाइज। गाड़ी तो वैसे चढ़ चुका है आप लोग देख सकते हो, एंड मुझे जितना तक लगता है गाड़ी 100 के स्पीड पे चढ़ पाएगा। यस बॉयज स्मूथ चढ़ रही है ब्रो, मुझे लगा नहीं था यार ये गाड़ी अपना इतना भी स्मूथ चढ़ेगा, लेकिन यार ऑब्वियसली गाड़ी बहुत स्मूथ तरीके से चढ़ा। वैसे यार इंडिया का 4 पॉइंट हो चुका है, चलो यार लेते अभी नेक्स्ट अपना पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट तो दोस्तों अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तान का लेक्सस गाइस लेक्सस 570। तो देखते यार लेक्सस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। वैसे तो गाइस गाड़ी अपना स्मूथली चढ़ रही है यार, आप लोग देख ही सकते हो। एंड आई होप गाइस ये वाला गाड़ी भी एकदम अच्छी तरीके से अपना चढ़ ही जाएगा यार।
वैसे चलो भाई गाड़ी अपना एकदम स्मूथ चढ़ गया एंड फाइनली अभी जाकर पाकिस्तान का 3 पॉइंट हुआ, लेकिन बांग्लादेश का बस एक ही पॉइंट हो रखा है यार, गलत ही सीन। चलो लेते हैं नेक्स्ट बांग्लादेशी गाड़ी। ऑलराइट दोस्तों अभी हम लोग लेके चल रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, ये कौन सा गाड़ी है गाइस, अल्बानी कैवलकेड। तो गाइस अल्बानी को लेके चलते हैं एंड भाई अल्बानी तो एसयूवी है, प्रॉपर बड़ा सा एसयूवी है, तो यार अच्छी तरीके से चढ़ गया। वैसे यार इंडिया का टाटा स्टॉर्म रखना चाहिए था गाइस, टाटा सफारी स्टॉर्म भाई, वो भी अल्बानी का तरह ही दिखता है, वो गाड़ी भी ना यार बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, नेक्स्ट टाइम भाई मैं रखने की कोशिश करूंगा। एंड अभी जाके गाइस देख सकते हो ओल्ड मॉडल का गाड़ी होने के बाद भी कितना अच्छा परफॉर्म किया, एंड अभी जाके बांग्लादेश का 2 पॉइंट हुआ। सो गाइस इस वाले गाड़ी को भी इधर पे रखते हैं, लेते अपना नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। तो दोस्तों अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से गाइस अपना टाटा का नेक्सॉन 2024 वाला मॉडल। तो गाइस अभी देखते हैं इस वाले गाड़ी का परफॉर्मेंस, वैसे तो गाड़ी अपना चढ़ चुका है आप लोग देख सकते हो, एंड यार अभी तक इंडिया का एक भी गाड़ी फेलियर लिस्ट पे नहीं आया, जो की बहुत ही अच्छी बात है गाइस, बहुत ही अच्छी बात है। एंड देखो टाटा नेक्सॉन 2024 वाला मॉडल भी कितना सुंदर तरीके से विनर लिस्ट पे आ चुका है। सो गाइस इस वाले गाड़ी को भी इधर पे रखते हैं भाई लोग, लेते यार अपना नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट दोस्तों अभी हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से गाइस पाकिस्तानी फेमस कार BJ40। एंड गाइस ये गाड़ी चाइना में भी बहुत चलता है, BJ40 या BJ80 बहुत ज्यादा चलता है दोस्तों, तो ऐसे BJ40 भी आई थिंक सो चलता ही है। बाकी चलो गाइस इस वाले गाड़ी को भी अभी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं गाइस ये गाड़ी कितना आगे तक जा पाता है। वैसे तो गाइस सेकंड गियर पे 74, ऑल राइट गाइस अच्छा खासा स्पीड पे गाइस ये वाला गाड़ी भी अपना पहुंच चुका है आप लोग देख सकते हैं। अभी जाके पाकिस्तान का भी 4 पॉइंट हो चुका है बॉयज, तो इस वाले गाड़ी को भी इधर पे रखते हैं यार, लेते अपना नेक्स्ट कोई दोस्तों गाड़ी। ऑलराइट तो दोस्तों अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर यार बांग्लादेश की तरफ से यार कौन सा गाड़ी आप लोग देख सकते हो, प्रीमियर। तो यार प्रीमियर को भी ले चलते हैं गाइस एंड देखते हैं प्रीमियर का परफॉर्मेंस क्या सा रहता है। वैसे यार थोड़ा तो दिक्कत दे रही है ये वाला अपना ट्रैक इस वाले गाड़ी को, लेकिन मैं चढ़ाने की तो वैसे कोशिश करूंगा ही करूंगा, अगर चढ़ जाएगा तो बढ़िया बात है, अगर नहीं चढ़ पाएगा तो अभी क्या किया जाए। अरे भाई साहब गलत ही सुन हो रही है, गाड़ी तो अपना चढ़ नहीं पा रहा गाइज आप लोग देख सकते हो। सो गाइज ये वाला गाड़ी भी अपना फेलियर लिस्ट पे आ जाता है, चलो लेते हैं यार नेक्स्ट कोई गाड़ी। ऑलराइट तो दोस्तों अभी हम लोग इंडिया की तरफ से भाई साहब अपना लास्ट गाड़ी लेके चल रहे हैं, भाई मुझे तो पता ही नहीं था यार, ठीक है चलो कोई दिक्कत बात नहीं है भाई, हम लोग इंडिया की तरफ से लेके चल रहे हैं मारुति सुजुकी का जिम्नी। तो यार ये गाड़ी भी नो डाउट थार का छोटा भाई है यार, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है यार अपना इंडियन जिम्नी का। सो लेट्स गो गाइस इस वाले गाड़ी को भी अभी चढ़ाते हैं एंड ऑलराइट तो दोस्तों फाइनली ये वाला गाड़ी भी अपना विनर लिस्ट पे आ चुका है दोस्तों, तो इस गाड़ी को भी इधर पे रखते हैं बॉयज एंड लेते हैं यार अपना लास्ट पाकिस्तानी गाड़ी। ऑलराइट दोस्तों अभी हम लोग लेके चल रहे हैं भाई अपना पाकिस्तान की तरफ से गाइज अपना लास्ट गाड़ी जो की अपने पास है गाइज यहाँ पर टोयोटा का लैंड क्रूजर V8 इंजन के साथ आता है दोस्तों ये वाला गाड़ी। लेकिन ये क्या हो रही है दोस्तों, गाड़ी अपना चढ़ ही नहीं पड़ा यार, ये क्या गलत सीन हो गया, अरे बाप रे चढ़ जा। ओ भाई गलत सीन यार, मुझे लगा था गाड़ी चढ़ जाएगा, लेकिन यार ये तो अलग ही सीन हो रही है, चढ़ गया। अभी तो भाई टॉर्क ज्यादा है गाड़ी में, नो टेंशन गाइस टॉर्क ज्यादा है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत अगर नहीं देगा कोई गाड़ी तो इजीली हर एक गाड़ी चढ़ ही जाएगा। लेकिन वही मेन बात है ना गाइस, ग्राउंड क्लियरेंस जो गाड़ी का अच्छा है गाइस वो गाड़ी चढ़ पाएगा, जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा नहीं वो गाड़ी चढ़ नहीं पाएगा, ये मेन चीज है। बाकी चलो पाकिस्तान की तरफ से अभी कितना पॉइंट हुआ गाइस आप लोग देख सकते हो, 5 पॉइंट हो गया एंड भाई साहब ओके दिक्कत दे रही है थोड़ा पार्किंग में। चलो यार लेते अपना लास्ट बांग्लादेशी गाड़ी। राइट तो दोस्तों अभी हम लोग लेके चल रहे हैं बांग्लादेश के तरफ से यार क्रूमा, टोयोटा कंपनी का है या क्रूमा कंपनी का ही है गाइस ये वाला गाड़ी। अभी ये वाला गाड़ी चढ़ जा, अरे बाप रे चढ़ गया गाइस, इजी ब्रो गाड़ी अपना अच्छी तरीके से चढ़ गया गाइस आप लोग देख सकते हो। फिलहाल चलो यार गाड़ी को एकदम आगे की तरफ भाई चढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस फाइनली अपना गाड़ी चढ़ चुका है दोस्तों। तो अभी बांग्लादेश का कितना पॉइंट हो गया आप लोगों को दिखा देते हैं यार। ओ भाई गलत सीन यार, ओके चलो थोड़ा पीछे करते हैं। ऑलराइट चलो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यार बांग्लादेश का हुआ है 1, 2, 3, इंडिया का हुआ है गाइस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पॉइंट, बाकी पाकिस्तान का हुआ 1, 2, 3, 4, 5। सो यार यहाँ पर फर्स्ट आता है अपना इंडिया क्योंकि 6 पॉइंट हुआ, सेकंड आता है अपना पाकिस्तान क्योंकि 5 पॉइंट हुआ, थर्ड आता है दोस्तों अपना बांग्लादेश क्योंकि 3 पॉइंट हुआ। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी यार मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। एंड आप लोगों ने अभी तक मेरा ये वाला मैप डाउनलोड नहीं है क्या, तो यार जाओ जाके डाउनलोड करो यार, और क्या आप लोगों के लिए भाई ये मैं गिव अवे कर दिया क्योंकि बहुत सारा भाइयों का रिक्वेस्ट था भाई आपका भाई ये सब मैप कैसे हम लोग डाउनलोड करें, तो यार देख लो भाई आप लोगों को फ्री में मैंने दे दिया। बाकी यार वीडियो में थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाना है इसके लिए लाइक भी कर देना है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सो टाटा एंड बाय बाय दोस्तों एंड आई लव यू ऑलवेज।